हेलो, वेलकम टू निधि इजी एंड फूड खाना। आज मैं आपको ओट्स के पैनकेक सिखाऊंगी। ये बहुत हेल्दी होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसे बच्चे भी पसंद करते हैं। बट अभी जो मैं बना रही हूँ इसमें शुगर भी यूज़ नहीं करूँगी। ये देखिए, इसके लिए मैं ओट्स ले रही हूँ, नॉर्मल ओट्स। ये मसाला ओट्स नहीं है, ये ईज़िली अवेलेबल होता है। यहाँ मैं एक कप ओट्स ली हूँ। इसके साथ मैं एक गिलास दूध लूँगी नॉर्मल टेम्परेचर में। एक बनाना ले रही हूँ, डेट्स ली हूँ कुछ और ड्राई फ्रूट्स ली हूँ। हाफ़ टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और यहाँ मैं वनीला एसेंस ले रही हूँ। चलिए अब ओट्स को मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया। बस ये ईज़िली ग्राइंड हो जाता है। इसमें या तो आप बनाना मैश करके भी डाल सकते हो, या तो आप पीसेस में कट करके भी डाल सकते हो। कोई भी फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स चॉप करके डाली हूँ। बनाना को पीसेस में कट करके डालूँगी। फिर मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून। उसके बाद मैं दूध ऐड करूँगी और इसका एक बैटर रेडी करूँगी केक की तरह। और साथ ही साथ मैं हाफ़ टेबल स्पून वनीला एसेंस भी डाल दूंगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के, ये देखिए हमारा बैटर रेडी है। मिक्स करके मैं 10 मिनट्स रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। अब एक तवा पे इसको डाल दूंगी। सॉरी, मेरा वीडियो क्लिप नहीं हो पाया पूरा। ये इसलिए डालोगे आप तो स्प्रेड हो जाएगा। इसको चम्मच से नहीं स्प्रेड करना है, ये खुद ही स्प्रेड हो जाता है और दोनों तरफ हल्का लाइट ब्राउन होता है। ये पक के रेडी हो जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर यूज़ की थी इसको बनाने में। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट बहुत थोड़ा लगता है। देखिए ये, और इसके ऊपर आप हनी डाल के खा सकते हो। ऐसे भी ये मीठा लगता है। ये सुबह के ब्रेकफास्ट में बहुत हेल्दी होता है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें। और बच्चों को खिलाने के लिए आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये बच्चों को भी पसंद आता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।